नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जब कोविड आया तो दुनिया को महामारी से निपटने की भारत की क्षमता पर संदेह हुआ। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों के साथ बैठकें की और उन्हें कई दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल लागू करने के अलावे स्वदेशी टीके विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि भारत में जनशक्ति और मस्तिष्क शक्ति की कोई कमी नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा के दौरान भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और यूपीए सरकार पर चौतरफा हमला किया है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय सोनिया गांधी ने सुपर पीएम के रूप में काम किया। यूपीए सरकार बिना पतवार के नाव जैसी थी। वित्त मंत्री ने 2004 से 2014 तक रहे कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए सरकार के दौरान देश की अर्थव्यवस्था की तुलना भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार के दौरान रहे अर्थव्यवस्था से भी की। उन्होंने 2013 की उस घटना का भी जिक्र किया जिसमें राहुल गांधी ने केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे अध्यादेश को फाड़ दिया था। राहुल गांधी को अहंकारी बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने ही प्रधानमंत्री का अपमान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वह तीसरे कार्यकाल के लिए पहले से ही पूरी तरह रूपरेखा तैयार करना शुरू कर चुके हैं और 15 लाख से अधिक लोगों से सुझाव लिए हैं। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा है कि नया भारत अब बेहद तेज गति से काम करेगा। प्रधानमंत्री ने टाइम्स युवा के ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए कहा कि वह लगभग 1.5 साल से देश के विकास को नई गति देने और गरीबी पर अंकुश लगाने के लिए नई योजनाएं लागू कर रहे हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान एंटरटेनमेंट जगत के बारे में बात करते हुए मेकर्स को चेतावनी दी है। अनुराग ठाकुर ने चेतावनी देते हुए ओटीटी कंटेंट की आलोचना करने के बजाय उन्हें सही रास्ते पर लाने के प्रयास किए जाने चाहिए और भारतीय कहानियों, संस्कृति और परंपराओं को विश्व दर्शकों तक ले जाने की बात कही है। अनुराग ठाकुर ने ओटीटी पर सेल्फ रेगुलेशन के नाम पर अश्लीलता से भरा कॉन्टेंट दिखाया जाने पर भी सख्त बयान दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और उसे लागू भी कर दिया जाएगा। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान दावा किया था कि CAA को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता है। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की सेहत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मिथुन चक्रवर्ती को कोलकाता के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती को सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी 3 मुकाबले के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। फिलहाल शुरुआती 2 मैचों के बाद यह सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का 3रा मुकाबला 15 फरवरी से खेला जाएगा। यह मैच राजकोट में होगा। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने के लिए ली जाने वाली सक्षमता परीक्षा शिक्षा विभाग एवं अपर मुख्य सचिव के पाठक के लिए कठिन चुनौती बन गई है। कई शिक्षक संगठनों ने इस परीक्षा के कई प्रावधान पर आपत्ति जताते हुए 13 फरवरी को विधानसभा घेराव कराने की घोषणा की है। इस आंदोलन को दबाने के लिए के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है। इस सिलसिले में सीएम सचिवालय ने कई विधान पार्षद द्वारा इस मुद्दे पर लिखी गई पत्र को शिक्षा विभाग को अग्रसारित किया गया है और उचित एक्शन लेने को कहा गया है। नीतीश सरकार को 12 फरवरी को विधानसभा में बहुमत साबित करना है। फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। RJD और कांग्रेस ने दावा किया है कि फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ा सियासी खेला होगा। विधायकों को एकजुट रखने के लिए जेडीयू ने आज मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर भोज का आयोजन किया था। जेडीयू की भोज में विधायकों की संख्या कम देखी गई। वहीं बैठक के 5 मिनट बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भोज में विधायकों की कमी की संख्या देखकर वहां से निकल गए। इस पर राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा है कि ये तो ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। 12 फरवरी को पूरी फिल्म देखने को मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को शुक्रवार की दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न देने के बारे में सूचना देने के कुछ घंटों बाद उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों ने कन्नौट प्लेस में लोगों के बीच गुड़ बांटने लगे। कन्नौट प्लेस में बागपत इलाके से गुड़ बांटने आए किसान रामपत ने बताया कि 28 जुलाई 1979 को जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो उनके पूर्वजों ने खुशी मनाने के लिए यहाँ पर गुड़ बांटा था, लिहाजा उन्होंने भी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर यहाँ पर गुड़ बांटने का निर्णय लिया है। जैसे ही पाकिस्तान चुनाव परिणाम की मतगणना समाप्ति के करीब पहुंची, एक अतिरिक्त सद्भावना संदेश में 3 बार के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ पाकिस्तान के संबंधों को नवीनीकृत करने पर जोर दिया है। शरीफ और उनकी PMLA ने पाकिस्तान और उसके पड़ोसियों के बीच बेहतर संबंधों की दिशा में
काम करने की कसम खाई है। शरीफ ने कहा है कि हम दुनिया और अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार करेंगे और उनके साथ सभी मुद्दों को हल करने का प्रयास करेंगे। बजट सत्र खत्म होने के एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ सांसदों के साथ सरप्राइज लंच किया। इन सांसदों को यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक कैसे पीएम मोदी उनके साथ लंच कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने 8 सांसदों के लिए इस बेहद खास अवसर को बताते हुए कहा कि इन सांसदों ने संसद की कैंटीन में पीएम मोदी के साथ लंच किया है। उनके साथ खिचड़ी, पनीर, दाल, तिल, रागी और मिठाइयों का स्वाद चखा। अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस लंच का बिल दिया है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों की बहुत पुरानी डिमांड थी कि किसान मसीहा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए। आज वह मांग पूरी हुई है। साथ ही डॉक्टर स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया गया है। टिकैत ने कहा है कि हम भारत सरकार को तहे दिल से इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू होनी चाहिए, जिसका इंतजार लंबे समय से किसान कर रहे हैं। विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ बचे 3 टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। बीसीसीआई ने टीम की घोषणा की है, जिसमें विराट का नाम शामिल नहीं है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कोहली निजी कारणों के चलते सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहीं क्रिकेट दिग्गजों ने भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से कोहली के बाहर होने पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। दक्षिण अफ्रीका के महान तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने शुक्रवार को कहा कि परिवार आपकी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। तो वहीं पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा कि किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती। तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू की बेटी सितारा को एक ऑनलाइन धोखाधड़ी में निशाना बनाया गया है। किसी अनजान व्यक्ति ने कुछ गैर कानूनी गतिविधियों को चलाने के लिए उसका फर्जी अकाउंट बनाया है। अब इस घटना पर प्रकाश डालने के लिए महेश बाबू के प्रोडक्शन हाउस GMB एंटरटेनमेंट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक सलाहकार बयान जारी किया है और कहा है कि माधापुर पुलिस के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस गतिविधि के पीछे वाले व्यक्ति का पता लगाने के लिए भी जाँच चल रही है। पाकिस्तान आम चुनाव की मतगणना जारी है, जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली की खबरें आ रही हैं। 8 फरवरी यानी चुनाव के दिन पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया था और सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान के कार्यकारी सूचना मंत्री मुर्तजा सोलंगी ने कहा है कि इंटरनेट पर कोई पाबंदी नहीं थी और लोग सोशल मीडिया भी इस्तेमाल कर रहे थे। इस दौरान उल्टे भारत पर निशाना साधकर अपना पल्ला झाड़ने की उन्होंने कोशिश की है। बिना भारत का नाम लिए उन्होंने कहा कि साल 2022 में विश्व के 35 देशों में 187 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया और कथित लोकतांत्रिक कहलाने वाले हमारे पड़ोसी देश ने तो 84 बार इंटरनेट शटडाउन किया है। यूपी के सरकारी स्कूलों में बच्चों की कक्षा में कम उपस्थिति एक बड़ी समस्या है। ऐसे में बच्चों की कम उपस्थिति पर शिक्षा विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए कुछ स्कूली बच्चों की फर्जी उपस्थिति दर्ज करवा देते थे। लेकिन अब बच्चों की उपस्थिति का सही पता लगाने के लिए योगी सरकार ने छात्रों की रियल टाइम अटेंडेंस नया नियम लागू किया है, जिसका प्राथमिक स्कूलों को सख्ती से पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है, जिसमें बेसिक के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रों की रियल टाइम अटेंडेंस लगवानी आवश्यक की गई है। स्कूलों में ये व्यवस्था 15 फरवरी से लागू होगी। अलीगढ़ शहरवासियों का अलीगढ़ एयरपोर्ट से उड़ान भरने का सपना इस महीने साकार होने वाला है। 8 साल से चला आ रहा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत 9 वर्ष के पहले ही दिन जिले को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई थी, जिसमें 19 सीटर विमानन संचालन के लिए नागर विमानन महानिदेशालय के स्तर से लाइसेंस जारी होने के बाद उड़ान भरने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था। फ्लाई बिग एयरलाइंस की ओर से यह सेवाएं 19 सीटर विमान से दी जाएंगी। शहर के कारोबारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। जदयू में टूट को लेकर राजद कांग्रेस के बयानबाजी पर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चट्टान की तरह जदयू मजबूत है। राजीव रंजन ने कहा कि सत्ता का ख्याली पुलाव पका रहे राजद कांग्रेस नेता इस बात की गांठ बांध ले कि उनका कोई भी जोर जदयू कार्यकर्ताओं पर चलने वाला नहीं है। जदयू के कार्यकर्ताओं की वफादारी जनता के प्रति है। परिवारवादी ताकतें उन्हें किसी भी कीमत पर झुका नहीं सकती हैं। पश्चिम बंगाल के जिलों में बंद महिला कैदियों के गर्भवती होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले की जांच करेगा। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ के मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल, जो जेलों की स्थितियों पर स्वतः संज्ञान मामले में न्याय मित्र हैं, उनसे जेलों में गर्भ धारण के मुद्दे की जाँच करने और अदालत को रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को सवाल किया कि क्या संविधान को अपनाने की तारीख 26 नवंबर 1949 को बरकरार रखते हुए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिवाकर दत्ता की पीठ ने यह सवाल पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और वकील विष्णु शंकर जैन से पूछा है, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग की है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा है कि ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। इस मामले पर अकादमिक दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है क्योंकि प्रस्तावना को पहले संशोधित किया गया था। लोकसभा में पेश एक संसदीय समिति की रिपोर्ट से पता चला है कि वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान में मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मांगे गए 1.1 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 22% कम धनराशि आवंटित की है। एक संसदीय पैनल ने सिफारिश की कि काम के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीरों के परिवारों को वही लाभ मिलने चाहिए जो नियमित सैनिकों के परिवारजनों को दिए जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार रक्षा मामलों पर संसद की अस्थायी समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि सरकार को ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को विभिन्न श्रेणियों में प्रत्येक में 10 लाख रुपए तक बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। पंजाब के किसान संगठन 13 फरवरी को दिल्ली कूच पर अड़े हैं। किसान नेताओं का कहना है कि अगर केंद्र सरकार 2 दिन के अंदर सभी मांगों को मान लेती है तो आंदोलन टालने पर फैसला लेंगे, लेकिन 2 दिन में यदि मांगों को हल नहीं किया गया तो दिल्ली कूच करेंगे। एनआईए के अधिकारियों ने कोयम्बटूर में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी आईएसआईएस से प्रेरित होकर किए गए कार बम धमाके से जुड़े मामले में शनिवार को तमिलनाडु में कम से कम 27 स्थानों पर छापे मारे हैं। विस्फोट के संबंध में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने बताया कि इस मामले का मुख्य संदिग्ध एवं आत्मघाती हमलावर जमेसा मुबीन अक्टूबर 2022 में संवर्धित विस्फोटक उपकरण ले जा रहे वाहन में हुए धमाके में मारा गया था। भारत और चीन के बीच तनाव भरे रिश्तों के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने लद्दाख में चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के करीब नुब्रा क्षेत्र में थोई से एयरबेस पर एक नए नागरिक टर्मिनल भवन के निर्माण पर काम शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि भारत की यह कार्रवाई चीन की आंखों में आंखें डालकर अपने भौगोलिक क्षेत्र में निर्माण कार्य को बढ़ावा देने और उसे जवाब देने की है। राम मंदिर निर्माण पर लोकसभा में चर्चा के दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि क्या मोदी सरकार एक मजहब की सरकार है। ओवैसी ने सवाल किया कि वे बाबर, औरंगजेब या जिन्ना के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि वह भगवान राम की इज्जत करते हैं लेकिन उन्हें महात्मा गांधी को गोली मारने वाले नाथूराम गोडसे से नफरत है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखा दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, सुकुमार सिंह बादल, श्याम मंडल, आनंद कुमार निषाद, बाबूलाल मरांडी, धनंजय कुमार, रंजीत कुमार झा, मणिकांत, मृत्युंजय, पवन कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, रविशंकर, रौनक, राजू रावत, अपर्णा पूजा, रमन कुमार, नौसाद रजा। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीर के घर वालों को मिलने वाले अनुग्रह राशि को बढ़ाने की मांग की गई है, इस पर आपके क्या विचार हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।